नमस्ते गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, वैसे वीडियो की टॉपिक से आप लोग तो ऑलरेडी जान लिए होंगे, यस चलो एक्सप्लोर करते हैं ताड़ीकोम्बूर सौंदरराज वर्मा टेम्पल। ये मंदिर की आर्किटेक्चरल इंट्रिकेशंस जो है, मान लेना चाहिए एक मूडी क्लाइमेट में विजिट करने के लिए ये मंदिर बहुत ही परफेक्ट है। दिंडुकल टू करूर ट्रैवल करते वक्त ठीक 15 किलोमीटर्स के बाद हमको नज़र आते हैं ये ताड़ीकोम्बूर सौंदरराज पेरुमाल टेम्पल। बड़ा शांत और सोबर सा बनाए हुए टेम्पल की बार अपीयरेंसेस कुछ ऐसे हमको नज़र आता है। इधर पूजा सामान बाहर से खरीद के जा सकते हैं और इधर गाड़ी के लिए टोकन भी गिरता है, पार्किंग स्लॉट्स भी अवेलेबल है और बाहर से हम तुलसी माला और दिया और जो भी भगवान को रखना चाहते हैं वो बाहर से लेके जा सकते हैं। तो कॉम्पाउंड के अंदर एंटर होते हुए हमको नज़र कुछ ऐसा दिखता है। ये टेंपल की उम्र लगभग 950 ईयर्स बोलते हैं। तो चलो आप लोग हमारे साथ और ये एंशिएंट पीस की खूबसूरती को हम लोग आराम से एंजॉय करेंगे। आप ये वीडियो को देखते रहिए, इसी की एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाती जाऊंगी। पूरा द्रविड़ियन स्टाइल की आर्किटेक्चर को फॉलो करके इसको विजयनगर किंग्स ने बनाए हैं, पर ये मंदिर इधर दिंडुकल के पास ताड़ीकोम्बूर में रहने की क्या वजह है, आइए थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं। मंडूगर एक ऋषि थे और उनको मेंढक बन के घूमने का कर्स दिया गया था, तो उससे वापस मनुष्य बनने के लिए इधर पास में एक रिवर है कुडगनार रिवर, उधर तपस्या पे लगे थे। तब तलासुरन एक राक्षस उनकी तपस्या को डिस्टर्ब करते गए, तो वो जो मंडूगर है वो लॉर्ड विष्णु से तलासुरन से बचाने की प्रे करने लगे। सेज मंडूगर का बात माने और लॉर्ड विष्णु अलगर के रूप में आके तलासुरन को डिस्ट्रॉय किए। फिर वो सेज की कहने से लॉर्ड विष्णु इधर ही ठहरे और सौंदरराज पेरुमाल के नाम से ये मंदिर से सबको अभी तक दर्शन दे रहे हैं। तो यही वजह है लॉर्ड विष्णु सौंदरराज पेरुमाल के नाम में इधर ताड़ीकोम्बूर में दिंडुकल के पास रह के हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। मदुरई सिटी की वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है अलगर फेस्टिवल, वही अलगर भगवान इधर सौंदरराज पेरुमाल के नाम से बुलाए गए हैं, तो वो अलगर स्वामी को जो भी करना चाहते हैं वो इधर सौंदरराज पेरुमाल को करने से उतना ही ब्लेसिंग्स मिलते हैं जितना मदुरई अलगर से हमको मिल सकते हैं। और एक स्पेशलिटी है कि ये मंदिर की स्कल्पचर्स इम्पोर्टेंस, इसकी एस्थेटिक व्यू तो आप वीडियो से दौरान देखते ही होंगे। ये मंदिर इतना खास क्यों है कि ये मंदिर में कई अलग अलग स्पेसिफाइड गॉड्स को एक कट्टा समेट के रखे हैं, वही एक प्राइम इम्पोर्टेंस है ये मंदिर को। जैसे कि लाइफ में हमारी हर एक फेसेस ऑफ लाइफ होता है जिसमें हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। जैसे हम बचपन में रहते हैं तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा बढ़ते हैं तो वेल्थ इम्पोर्टेंट आता है, आगे जाके आता है मैरिज। ऐसे लाइफ की हर एक इम्पोर्टेंट फेस की जो जो भी ब्लेसिंग्स हमको चाहिए वो सब ये एक ही टेम्पल में हमको मिल सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन के लिए इधर लॉर्ड हाइग्रीवर प्रस्तुत है जो हमको एजुकेशन की जो भी रक्षा चाहिए वो पूरा करेंगे। डिजीज़ और पॉवर्टी से उठने के लिए इधर स्वामी काल भैरवर प्रस्तुत है, उनको कंटिन्यूस पूजा करने से हमको वेल्थ बढ़ा जाता है करके इधर लोग बहुत मानते हैं। और प्राइम इम्पोर्टेंस है शादी, शादी के लिए इधर रदी मनमदन का स्थल अलग सा है और उधर कंटिन्यूस 4 थर्सडेज पूजा करने से जो भी मैरिज की हिंड्रेंसेस जो है वो सब मिटाया जाएगा और शादी अच्छे से होगा करके इधर के लोग मानते हैं। और वेल्थ बढ़ाने के लिए इधर बॉटल गॉड यानी कि लौकी के अंदर दिया जलाते हैं इधर के स्वामी को, ताकि उनका वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़े करके। इधर भगवान की पूजा होने के बाद प्रसाद सा हमको आपम बड़ा पुलियोद्रय लड्डू सब दिया जाता है। तो
तो इधर ख़त्म होता है हमारा टेंपल ब्लॉक की सारी इन्फॉर्मेशंस। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़रूर फैमिली ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करना।